हेलो डियर स्टूडेंट्स, केडी द मेट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्पेशली राजस्थान वनपाल और वन रक्षक भर्ती की, जो कि एक बड़ी भर्ती आई है और सभी ट्वेल्थ पास स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन चांस है। इसमें स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे मुश्किल टास्क जो होता है फिजिकल होता है। और जैसे जो वीडियो में मैं आपको PPT देता जाऊं, उसकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जिसको भी आराम से बाद में आप देख सकते हैं। तो ये 1128 पदों पर भर्ती है स्टूडेंट, और इसकी जल्दी ही रिलेटिव वेबसाइट पर ये पूरा आ जाएगा इन ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो जैसा कि अब आप देख सकते हो PPT में कि यहाँ ऑनलाइन आवेदन केवल अप्लाई है, ऑफलाइन अपने को नहीं करने हैं, क्लियर। और वनपाल के लिए कुल पदों की संख्या 87 है, जिसमें कि जो फ्री एरिया है वो 73 है, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो आरक्षित हैं वो आपके 14 पोस्ट हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो ये थी आपकी पूरे वनपाल की पोस्ट वाइज क्लासिफिकेशन। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि वन रक्षक से रिलेटेड है। वन रक्षक में कुल पदों की संख्या 1041 है, जिसमें कि फ्री एरिया जो है अनरिजर्व्ड जिसको बोलते हैं वो है 886, जबकि SC के लिए जो है कैटेगराइज किए गए हैं 155। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की जो डेट है वो है 8 दिसंबर 2020, जबकि इसका फॉर्म ख़त्म होगा 7 जनवरी। तो बहुत लंबा टाइम है, 1 महीने है, लेकिन बाद में क्या है कभी कभी वेबसाइट क्रैश करती है, इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि आप स्टार्टिंग में ही इसको भर लें, जिससे कि बाद में कोई वेबसाइट क्रैश का अपने को सामना नहीं करना पड़े। तो यहाँ देखिए क्या है कि जो 10th पास है वो वन रक्षक के लिए केवल है, और 18 से 24 का एज है, इसमें एज का कंसर्न ध्यान रखना है, क्लियर स्टूडेंट। और यहाँ हिंदी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कि जनरली कोई बात है नहीं। और रिजर्व के लिए वही जो अपने OBC के लिए 3 और SC के लिए 5 रहता है, वो का वही है, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना वनपाल के लिए। वनपाल के लिए 12th पास है, जैसा कि मैंने पहले बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, वही चीज़ है। और इसमें एज का भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 18 से 40 है, जबकि वन रक्षक के लिए आपने देखा था जो फॉरेस्ट गार्ड होता है उसके लिए केवल 18 से 24 है। और यहाँ भी वही, SC के लिए 5 साल, और जो अपना ST है उसके लिए 5 साल, और OBC के लिए 3 साल, और फिजिकली इसमें फिटनेस रहनी चाहिए। अब इसमें आगे पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या हो सकता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसको कहते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी PFT। ये इसका देखिए मेन पॉइंट है। अब इसके लिए देखिए करना क्या क्या है आपको। इसमें एक पैदल चाल बनाई जाएगी, और इसमें बॉल थ्रो 55 मीटर है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसमें बॉल थ्रो में ही जो है निकाले जाते हैं। और 1 मिनट में 25 सेटअप हैं, और जो लेडीज़ हैं उनको केवल गोला फेंक और लंबी कूद है, क्लियर स्टूडेंट, उनके लिए सेटअप वाला पोर्शन नहीं है। और इसमें सबसे मुश्किल, जैसा कि आप देख रहे हैं PPT में, बॉल थ्रो है, और इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फेल होते हैं। बॉल थ्रो के बाद सेटअप भी एक मुश्किल टास्क है। तो अब जैसे क्या है कि इसमें देखिए रिटर्न में, जैसा कि आप PPT में देख रहे हो कि 10 गुना जो है स्टूडेंट पास किए जाएंगे, जैसे 1028 पोस्ट हैं, तो 1028 पोस्ट के लिए, अब सॉरी 1128, तो 11280 लोग पास किए जाएंगे। इसमें 2/3 स्टूडेंट केवल इसमें PFT में ही फेल हो जाने हैं। तो यहाँ पर देखिए अब अप्लाई कैसे करना है, आपको अपना राजस्थान SSO पोर्टल पर ID बनानी होगी। जो अगर आप खुद इसमें नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी ई-मित्र की शॉप पर जाके इजीली इस काम को कर सकते हैं। वैसे जो स्टूडेंट्स मोस्टली फॉर्म भरते रहते हैं, उनके पास SSO ID पहले से बनी रहती है, उसी SSO ID से सारे फॉर्म उनके अप्लाई होते रहते हैं, क्लियर। तो अगर आपकी नई भी बनी है स्टूडेंट, तो आप SSO ID तो एक बार बना ही लें, जिससे कि कोई भी फर्दर फॉर्म आता है तो वहाँ एक्स्ट्रा टाइम अपने को नहीं लगे। तो इस चैनल पर स्टूडेंट्स में आगे भी वन रक्षक और वनपाल से रिलेटेड जो भी आपको फर्दर जानकारी होगी वो देता रहूँगा। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसे शेयर करें, क्योंकि देखिए अगर आपने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में सारा कुछ जान के प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग स्टार्ट करी, तो अपन जो है प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि इसके प्रीवियस पेपर्स जो भी हैं वो भी मैं टाइम टू टाइम इस पर डालता रहूँगा। और इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी दी हुई है, वहाँ जाकर आप सारा देख सकते हैं।